हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस पार्ट में एक इम्पॉर्टेंट नाम है एल्डार कंडेंसेशन रिएक्शन। एक्चुअली इसके पहले हम लोग कैलिजारो रिएक्शंस पढ़े। कैलिजारो रिएक्शंस में ऐसे एल्डिहाइड कैलिजारो रिएक्शंस जो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, जैसे फॉर्मल्डिहाइड था, बेंजल्डिहाइड था, ये सब कुछ ऐसे एल्डिहाइड थे जो कैलिजारो रिएक्शन शो करते हैं। यहां पर एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शंस में ये ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन शो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। दोज एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स विच हैविंग अल्फा हाइड्रोजन विल शो एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन। सो एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन इज जस्ट रिवर्स टू द कैलिजारो रिएक्शन, क्योंकि एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शंस में ऐसे एल्डिहाइड्स को किए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। चलिए आइए एक एग्जांपल की बात करें। जैसे इस तरह का एक एल्डिहाइड है, अब इस CHO के साथ ये कार्बन जुड़ा है। जब कार्बन है तो इसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे, और इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा रहता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। यदि इसको हम लोग ओपन कर दें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, इस हाइड्रोजन को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अर्थात ये जो एल्डिहाइड है वो एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। इसी जैसा और भी है, जैसे CH3CH2CHO ये भी शो करेगा एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है। यदि हम इसकी बात करें कीटोन में, तो ये भी जो है एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि इसमें भी जो है अल्फा हाइड्रोजन है। अब जैसे CH3CHO है, इसको हम लोग एसिड एल्डिहाइड बोलते हैं। अब ये एसिड एल्डिहाइड का दो मोल ले लें और अल्फा हाइड्रोजन को यदि जो है ऐसे ब्रेक कर दिया जाए, मतलब CH3 को हम लिख दिए CH2, फिर उसके बाद ये पूरा उतार दें, इसमें अल्फा हाइड्रोजन की इस कार्बोनिल ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्टिंग कराते हैं, यानी इस हाइड्रोजन को यहां पर ब्रेक करेंगे, और ये सभी बातें डायल्यूट एरोमेटिक की प्रेजेंस में होती है। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3COH, यहां H हो गया, CH2CHO। एक्चुअली इसको हम लोग केमिस्ट्री में एल्डाल बोलते हैं। एल्डाल का मतलब एल्डिहाइड और एल्कोहलिक, मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड और एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, उसी को हम लोग एल्डाल बोलते हैं। और इसका जो IUPAC नेम्स होगा 3-hydroxy-3-hydroxy-butanol। तो कुल मिलाजुला करके ये एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शंस है। दोज एल्डिहाइड्स विच हैविंग अल्फा हाइड्रोजन व्हेन सच टाइप ऑफ एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट NaOH एल्डाल इस फॉर्म, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इसमें अभी हम लोग एसिड एल्डिहाइड के टू मोल्स को डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट किए तो एल्डाल बना। थोड़ा सा और एग्जांपल हम लोग कर लें, जैसे CH3CH2CHO है, यदि इसका डायरेक्ट NaOH के साथ रिएक्शंस कराया जाए तो क्या बनेगा। अब इसको थोड़ा सा ओपन कर दीजिए, CH3CH2CHO। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन की, अभी हम लोग देखें कि एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शंस में अल्फा हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो रही है। इसमें इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, इसके जस्ट इस कार्बन से जो जस्ट हाइड्रोजन अटैच्ड है उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन की इस ऑक्सीजन के ऊपर हम लोग शिफ्टिंग कराते हैं, तो इस हाइड्रोजन को हम लोग पहले पकड़ लें,
HCl by CH2 को हम HCl लिख सकते हैं, इसके साथ CH3 ऐसे जोड़ दें, C डबल बॉन्ड OH, अब ये ब्रेक डाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, CH3CH2 इसी के साथ OH हो जाएगा, यहां H, फिर CH CH3 CHO। एक्चुअली ये तो प्रोडक्ट बना, इसके बाद इस हाइड्रोजन को थोड़ा ऐसे लिख दिए हैं, इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो बाय द लॉस ऑफ H2O, H2O बाहर निकल गया और ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट होगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CCH3 CHO। तो इस एल्डाल और कंडेंसेशन रिएक्शंस का प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा। अब इसी तरह का यदि हम लोग और भी एग्जांपल ले लें, CH3 CH2 CH2 CHO, इसका यदि डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शंस कराएं क्या बनेगा। अब इसको उसी तरह से हम ओपन करें, CH3 CH2 CH2 CHO, फिर इस अल्फा हाइड्रोजन को हम लोग जो है पहले पकड़ लें HCH, और इसके साथ ये दोनों लगा दें, अर्थात C2H5 CHO, इसका क्लेवेज इट विल शिफ्ट हियर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, क्या बनेगा CH3 CH2 CH2, फिर ये COH H C, यहां H, नीचे C2H5 CHO, फिर यदि हम इसको हीट कर दें तो हीट करेंगे तो यहां से वाटर बाहर निकलेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, बाय द लॉस ऑफ H2O CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CC2H5 CHO। तो इस तरह से हम लोग एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शंस के प्रोडक्ट की बात करते हैं।